चलिए तो इस बीच रुक कर लेते बड़ी खबर का। खंडवा में भोपाल रेवेन्यू टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर, महानगरी एक्सप्रेस में दो संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ट्रेन से 3,20,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो लगातार इस तरह की कार्रवाई होती रही है, वाराणसी से मुंबई लेकर जा रहे थे तस्कर, और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 ट्रॉली बैग में 2,000 के गड्डिया बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, खंडवा में भोपाल रेवेन्यू टीम की ये बड़ी कार्रवाई आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि महानगरी एक्सप्रेस में दो संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो वही ट्रेन से 3,20,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो लगातार अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, खंडवा से तस्करी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो महानगरी एक्सप्रेस वे में दो संदिग्धों को पकड़ा गया है, रेस्क्यू टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रेन से 3,20,00,000 रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें कि वाराणसी से मुंबई लेकर जा रहे थे तस्कर, और ऐसे में अब लगातार तस्करों से पूछताछ जारी है। 3 ट्रॉली बैग में 2,000 की गड्डिया बरामद की गई है। तो रेस्क्यू टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, खंडवा में भोपाल रेवेन्यू टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महानगरी एक्सप्रेस में दो संदिग्धों को पकड़ा गया है, लगातार अब आरोपियों से पूछताछ जारी है, और ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये बड़ी खबर, 3 ट्रॉली बैग में 2,000 के गड्डिया बरामद की गई है। आपको बता दें कि रेवेन्यू टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, खंडवा में भोपाल रेवेन्यू टीम ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि महानगरी एक्सप्रेस वे में दो संदिग्धों को पकड़ा गया है, लगातार अब संदिग्धों से पूछताछ जारी है। तो वाराणसी से मुंबई लेकर जा रहे थे तस्कर, और ऐसे में अब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तस्करों से पूछताछ जारी है। 3 ट्रॉली बैग में 2,000 के गड्डिया भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, खंडवा में भोपाल रेवेन्यू टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें महानगरी एक्सप्रेस में दो संदिग्धों को पकड़ा गया है। अब लगातार तस्करों से पूछताछ जारी है।